बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। वह सुबह होते ही अपना चोगा और कमंडल तैयार करता तथा निकल पड़ता था। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता था, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। भिखारी का नाम था जगुन। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी से संतुष्ट हो जाता। उसका एक मित्र नंदलाल भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। जगुन और नंदलाल भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज सुनता था, वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया, तभी जगुन भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। नंदलाल खंजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाए भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। नंदलाल ने वह पपीता दो आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। थोड़ी देर बाद जगुन सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई, सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। जगुन उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उस सब्जी वाले को सिक्के देकर कहा, भाई ये तुम्हारे पपीते में से निकले हैं, इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था, वह बोला, यह पपीता तो मुझे नंदलाल बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। नंदलाल ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं, वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वह सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। हाँ, उसी दिन से जगुन के साथ साथ नंदलाल भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान।